नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। ऐसे जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें।